hero in your sleep. कारपेंटर लोग फ्रॉम पहाड़ियों को चैनल एसटी पहाड़ी बंदा और पेश है आपके सामने एक और ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं आज बिंच कैंप। तो आज आपको फिर से बिंच कैंप की हसीन वादियों में ले चलेंगे। तो बिंच कैंप जाने के लिए यहाँ से दो नहीं तीन रास्ते हैं रोड से, तो हम जा रहे हैं, यहाँ कोह गाँव है, यहाँ जलान से होते हुए जाएंगे हम ऊपर, उस रास्ते से जाएंगे हम। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि वहाँ पर बिजली खराब हो चुकी है, जिस कारणवश हमें जाना पड़ रहा है। तो चलो और दिखा दें आपको, पहाड़ों में सांस अभी से फूलना स्टार्ट हो गई है और कुछ टीम के मेंबर आगे चले गए हैं, कुछ पीछे हैं और कुछ मेरे साथ चले आगे, एक भाई जी आगे चले हुए हैं। तो चलो चलते हैं अभी। धूप एक चीज़ अच्छी हो गई कि धूप लग चुकी है। दोस्तों यहाँ से आप पहाड़ देख ही सकते हो कि क्या ही अद्भुत पहाड़ लग रहे हैं, और उसके ऊपर जो ये बादल दिख रहे हैं आपको बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इसके साइड जो है वो जलान है, जो कि मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, वहाँ पे गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस भी है। और ठीक वहाँ से आप देख सकते हो कि वहाँ पर हमारी टीम चल पड़ी है, कुछ टीम आगे निकल चुकी है, कुछ बंदे और कुछ बंदे अभी पीछे हैं, पीछे ज़्यादा नहीं रहे हैं, एक दो बंदे रहे हैं। और यहाँ से चढ़ाई चढ़नी है, हम यहाँ से भी चढ़ सकते थे, जो आप नीचे से रास्ता देख रहे हो ना वहाँ से हमें लॉन्ग पड़ जाता, तो इसीलिए हम यहाँ से चढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप कि वहाँ पे जूम करके दिखेगा आपको, तो गाइस देख सकते हैं आप। तो अभी पहुँचे हम जलान, अभी हमें दो तीन घंटे लग जाएंगे। गाइस अभी हमने रास्ता 100% में से 10% ही चढ़ा है, और अभी आप आँखों में नहीं चेहरे में पसीना देख ही सकते हो कि किस तरह के हालात हुए हैं। एक्चुअली गाइस होता है ऐसा कि ये जो घास है इसकी गुम्मक आपको पहाड़ों पे बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि अभी बरसात ख़त्म हो गई है, इस कारण थोड़ी कम है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा होती। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो ये है जलान गांव। और ठीक अब हो गया असली चढ़ाई शुरू। Check the mic and make sure it sound right, boys. अभी हम पहुंच चुके हैं जलान से थोड़ा से ऊपर, और वहां पर हम रेस्ट कर रहे हैं। और अभी मैं आपको टीम के मेंबर से मिलाता हूं, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ये। और सबसे पहले आप खुद ही अपना नाम बताइए। कुमार इलेक्ट्रिशियन। और वहां पे इनको जय साहब बोलते हैं, ऐसे नाम बता दीजिए अपना। नाम बता दीजिए। संजीव कुमार। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और कुछ मेंबर आगे चल गए हैं, कुछ पीछे हैं, और अभी हम यहाँ से रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद निकल पड़ेंगे। 3-4 घंटे लग ही जाएंगे हमें ऊपर, है ना भाई? हाँ 3-4 घंटे लग ही जाएंगे। और कुछ ऐसा भी हुआ यहाँ से आप देख ही सकते हो गाइस। दोस्तों तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ ऊपर, आप देख सकते हो टावर के पास, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि टीम के मेंबर पहुंच चुके हैं, और आप पसीने से पूरी हालत देख सकते हो कि कैसे लथपथ हुए फिरे हैं। यहाँ पे रेस्ट करेंगे, सभी बंदे आ चुके हैं, उसके बाद हम सब यहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। यानी कि अप्रोक्स आप मान सकते हो कि 2-3 घंटे का सफ़र अभी और है। और यहाँ पर आप जो पीछे टावर देख सकते हो, ये जो है प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे पीछे लंबा डग में, तो उसकी तारे बिछ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा कितना बड़ा है, यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हो कि इसकी लाइन बिछ चुकी है, और वहाँ पे टीम के मेंबर
पूरी तसल्ली के साथ रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी चलता हूँ रेस्ट करने। वीडियो बनाने आया था यार इतने दूर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि हमारे दो टीम के मेंबर जो थे वो पीछे रह चुके थे, तो ये क्या है, तो मैं आपसे वो करूँगा कि अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनू है। और पीछे अपने विकास भाई, ये दोनों पहुँच चुके हैं, और एक और है भाई फौजी साहब, वो थोड़े लेट हो चुके, वो आएंगे अभी। यहाँ पे पूरे मेंबर आप देख सकते हैं। एक और है वन एंड ओनली, वो ऊपर पहुँच चुके हैं, लाइन मैन है ना जी? जी जी हाँ जी। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे एसटी पहाड़ी बंदा यूट्यूब ब्लॉगर है ये हमारे, तो ये वीडियो ये ही डालेंगे कल यूट्यूब पे। वॉइस होगी सोनू भाई की। ये हमारे ऋषभ गिल, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, डंडा हाथ में खड़ा क्यों है, और ये आगे हमारे जय साहब है, पीछे एसडीओ साहब, और पीछे हमारे लाइन स्टाफ वाले बंदे हैं। जो पीछे आपको दिख रहे हैं बीच में, वो है नायब सूबेदार, जो कि देख रहे हैं काफी हंसमुख चेहरे से। मैं अभी आपको व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही खतरनाक वाला व्यू, ये व्यू नहीं। दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं, इस जगह का नाम है थनोट, और वहां पे आप देख सकते हो कि दो टावर लगे हुए हैं, और ठीक यहां से मैं जैसे ही राइट साइड घुमाता हूं तो आपको जो ये बादल दिख रहे हैं, यही तो पहाड़ों की शान है, नीचे पर्वत और ऊपर बादल, और ठीक वहां से पूरा ऐसा 360 व्यू दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर एक मोड़ा उस जैसा दिखेगा आपको, यहाँ से नहीं दिखेगा, तो कुछ ऐसा व्यू है। और अभी हमें रह गया है अप्रोक्स एक घंटा, तो इसके ऊपर स्टेशन आएगा हेड गियर, और उसके बाद जो आएगा वो बिंच कैंप आएगा, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हो डॉगी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसके आगे जो है बिंच कैंप के लिए थोड़ा सा रास्ता जाता है, अप्रोक्स आप मान के चलो कि एक आधा किलोमीटर, और ठीक वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जैसे कि भेड़ पालक वहाँ पे अपना डेरा डालते हैं, और ठीक यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से आगे जो नीचे है वहाँ पे बिजली ख़राब हुई है, तो मतलब जो तार वगैरह टूटी हुई है वो जोड़नी है, तो दिखाते हैं आपको आगे जाके सब कुछ। हाय कर रहे हैं। हाय गाइस, अभी टाइम हो चुका है 6:45 और मैं पहुंच चुका हूं अभी जलान, तो ऊपर बारिश लगने की वजह से मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया, और बारिश में ही काम करना पड़ा, तो बारिश में काम करने के बाद हमने खाना खाया और बस आ गए, तो अभी बस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और एक प्यार से कमेंट कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में बेल आइकन है उसे दबा के और पे सेलेक्ट कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।